जो डीएमके पार्टी है वो जो इंडिया अलायंस है जो एनडीए से लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, तो उसका कहना है कि केंद्र में जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये मैनिफेस्टो उसने अलग से जारी किया है, कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया अलायंस का नहीं है जिसे कहा जाए कि इसकी कांग्रेस की सहमति। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को अप्रूव करती है। तमिलनाडु का सत्ताधारी दल डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारतीय संविधान को बदल देगा, यह मैं नहीं कह रहा। यह बात डीएमके ने अपने हाल ही में जारी चुनावी घोषणा पत्र में बात कही है। हालांकि उसने यह बात स्पष्ट तौर पे कही नहीं है, लेकिन जो उसने घोषणा पत्र जारी किया है उससे यही आभास होता है कि भारतीय संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे तभी डीएमके अपने मैनिफेस्टो में कही गई बातों को लागू कर पाएगा। इसके पहले कि मैं पूरा विस्तार से इस पर चर्चा करूं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा, एक एक बिंदु को उठाना चाहूंगा। अपने घोषणा पत्र में डीएमके ने कहा है कि वो सीएए जो 2019 बनाया गया था, केंद्र सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत जो भारत के तीन पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां से माइग्रेट होकर के जो आए हैं हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इन समुदाय के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, जिनका धार्मिक आधार पर पीड़न किया गया, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ध्यान रहे इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। इसी बात को लेकर के मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ऐसा करने का ये घोषणा जो है डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में की है। ये तो ठीक है, लेकिन एक विरोधाभास ये है कि साथ ही इसी मैनिफेस्टो में डीएमके ने कहा है कि जो एक तरफ तो ये सिटीजनशिप वाला कानून समाप्त करने की बात कर रहा है डीएमके, दूसरा जो श्रीलंका से माइग्रेट करके तमिल समुदाय के लोग आए हैं, तमिलनाडु में आए हैं, उन्हें वो सिटीजनशिप दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ओर नागरिकता कानून का विरोध और दूसरी ओर एक नागरिकता कानून का सपोर्ट। ये मतलब जो दोहरा जो है रवैया है डीएमके का, उसके इस घोषणा से पता चलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने मैनिफेस्टो में डीएमके ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा चेन्नई में खोलेगा यदि उसकी सरकार बनती है। देखिए मैं ये इस पर विस्तार से बात करने के पहले बता दूं कि जो डीएमके पार्टी है वो जो इंडिया अलायंस है जो एनडीए से लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए बनाया गया है उसका घटक है, और उसका एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस भी है। तो उसका कहना है कि केंद्र में जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो जब इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनेगी तो वो मिल करके सभी दल जो है इस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। हालांकि ये मैनिफेस्टो उसने अलग से जारी किया है, कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया अलायंस का नहीं है जिसे कहा जाए कि इसकी कांग्रेस की सहमति। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को अप्रूव करती है। तो फिर मैं वापस वहीं आता हूं कि चेन्नई में डीएमके ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा खोली जाएगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है और वो नई दिल्ली में स्थित है। पूरी देश के लिए खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। उसका जो प्रदेशों के कानून है उससे वास्ता कम है, और जो भारतीय संविधान है मौलिक अधिकार है उनका रक्षक अधिक है। तो ऐसी स्थिति में यदि
चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की शाखा खुलती है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केरल में क्यों नहीं, मणिपुर में क्यों नहीं, असम में क्यों नहीं, और जगह जगह सुप्रीम कोर्ट की शाखाएं खोलने की मांग इसके बाद शुरू हो सकती है। अगली मैं बात करूंगा, इसी मैनिफेस्टो में पार्टी ने कहा है कि जो वहां के एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें एक बात ये भी कही कि जो धारा 356 है भारतीय संविधान में, जिसके तहत तो किसी भी प्रदेश का यदि सरकारी तंत्र विफल हो जाता है तो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो उसने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो धारा 356 को समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो भारतीय संविधान का संघीय ढांचा है उस पे सीधा सीधा प्रहार, सुप्रीम कोर्ट की शाखा खोलना सीधे सीधे जो भारतीय संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके उसको मतलब क्षति पहुंचाने की बात। तो अब एक और बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि इसके अलावा मैनिफेस्टो में अगली जो बात कही गई है वो कही गई है कि जो केंद्र सरकार के सरकारी दफ्तर हैं जो तमिलनाडु में कार्यरत हैं, जो तमिलनाडु में काम करते हैं, वहां जो कामकाज होगा तमिल भाषा में कामकाज होगा। केंद्र सरकार के और दफ्तर हैं लेकिन जो तमिलनाडु में स्थित है उसमें तमिल भाषा में काम होगा। एक बात और, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है पूरे देश में, जिसके माध्यम से पूरे देश में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, उसके बारे में भी यह कहा गया है कि जो आईएएस की सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, आईएएस आईपीएस की परीक्षा है, उसको तमिल भाषा में तमिलनाडु में कराया जाएगा। अब देखिये ये इससे क्या पता चलता है, इससे जो है जो डीएमके की जो मंशा है, जो उसकी नीत है, जो नियत है, उसका पता चलता है। देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत में संपर्क की एक भाषा हो, चूंकि हिंदी पूरे देश में ज्यादा लोग बोलते हैं, अधिकतम लोग बोलते हैं, ऐसी स्थिति में माना जाता है कि हिंदी ही एक संपर्क की भाषा हो सकती है। तो डीएमके के इस बिंदु से, इस जो कहना चाहिए कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में जिसकी चर्चा की है, उससे ये पता चलता है कि वो भाषावाद और क्षेत्रवाद को किस तरीके से जो है इस में मतलब कहना चाहिए चुनाव में ये मुद्दा प्रमुख रूप से जो है शामिल करना चाहते हैं, इस बात का इससे पता चलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो है कही है डीएमके ने, कहा है कि जो मोदी सरकार ने 2020 की शिक्षा नीति जो बनाई और जिसको लागू करने की बात सरकार कह रही है, उसका कहना है अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो शिक्षा नीति 2020 को समाप्त कर देंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो इंडिया अलायंस सरकार जब बना लेगी तो पूरे देश में जो हाईवेज हैं उन हाईवे में वो टोल गेट सिस्टम को समाप्त कर देंगे। इसके अलावा जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं जिनको प्रवेश लेने के लिए नीट परीक्षा का सामना करना पड़ता है, नीट परीक्षा का आयोजन पूरे देश में एक साथ किया जाता है, तो डीएमके कह रही है कि तमिलनाडु में नीट परीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। देखिए जितनी भी ये मैनिफेस्टो में घोषणाएं हैं उससे यह पता चलता है कि तमिलनाडु भारत का एक राज्य नहीं है बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट देश है। किस तरीके से डीएमके ट्रीट कर रही है तमिलनाडु को, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दो बड़ी रोचक घोषणाएं इस मैनिफेस्टो में हैं जिनकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगी। पहली घोषणा है जिसमें डीएमके ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, उनके सहयोग से केंद्र में सरकार आती है, तो वो पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के रेट कम कर देंगे। पेट्रोल के रेट वो 75 रुपए प्रति लीटर कर देंगे और डीजल के रेट 65 रुपए प्रति लीटर कर देंगे, और जो एलपीजी सिलेंडर है 500 रुपए से अधिक का नहीं होगा। देखिए वास्तव में अगर तमिलनाडु सरकार चाहे तो अभी भी इसके रेट घटा सकती है, क्योंकि उसे पेट्रोल और डीजल में वैट से 12,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के और खाने के दांत जो है किस तरीके से उसके अलग अलग हैं, यही बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं।
और ऐसा नहीं है कि डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ अच्छी घोषणाएं नहीं की, उसने कुछ अच्छी घोषणाएं भी की, जैसे कि उसने कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं और जो प्रवेश के लिए जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, और यहां तक कि जो संसद है और जो विधानसभा के चुनाव है वहां भी 33% महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही डीएमके पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से, और जब स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की तो उन्हीं के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, जिनका नाम 2G घोटाले में भी आया था, जिन पर आरोप लगा था घोटाला करने का, वो उसका खाली समर्थन नहीं करते, लेकिन अभी हाल में ही उन्होंने उससे कई हाथ आगे बढ़ करके बयान दिया कि जो उन्होंने तो मतलब कहना चाहिए कि राष्ट्र की परिभाषा ही एक अलग कर दी। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, ये तो कई राष्ट्रों से मिलकर के भारत बना हुआ है, और यहां तक कि कह दिया कि वो भारत माता के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये विभिन्न राष्ट्रों से मिलकर बना देश है। तो ये उससे इससे जो है पार्टी, और यही नहीं, और भी उन्होंने क्या किया, सनातन धर्म पर और हमला किया और कहा कि श्री राम का नाम लेने वाले लोग मूर्ख हैं। तो ये जो डीएमके का जो चरित्र है, उसकी जो नीत है, उसकी जो नियत है, उसकी जो मंशा है, उसमें जो खोट है, इससे पता चलता है। अब ये जिस तरीके की घोषणाएं मैनिफेस्टो में की गई हैं, उसका क्या इंपैक्ट चुनाव पे पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, इसका बहुत ही गंभीर इंपैक्ट पड़ेगा। गंभीर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? अगर इस ओछी और घटिया राजनीति के आधार पर जो है डीएमके की सीटें बढ़ती हैं तो बहुत गलत संदेश जाएगा। और सवाल यह भी है कि जो इंडिया अलायंस का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है कांग्रेस, क्या कांग्रेस जो है जो ये घोषणा पत्र जारी किया डीएमके ने, क्या वो उस पर अपनी मुहर लगाती, क्या उसका समर्थन करती है, सवाल है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था वहां पर जो कुल 39 सीट्स हैं तमिलनाडु में लोकसभा की, उसमें डीएमके ने 21 सीटों पर विजय हासिल की और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। अगर इस मैनिफेस्टो में की गई घोषणाओं के आधार पर डीएमके की सीटें बढ़ती हैं तो जो केंद्र में अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो जो डीएमके है, डीएमके के जो इंडिया अलायंस पर दबाव, बहुत अधिक दबाव बनाने की जो है स्थिति में होगा, और ये अगर दबाव बनाता है और इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं संविधान में गलत तरीके से या गलत चीजों के लिए जो है संशोधन किया जाता है, तो ये ना केवल भारतीय संविधान पर बहुत बड़ी चोट होगी बल्कि ये पूरे देश और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक जो है साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।